जनपद मुरादाबाद के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को निशुल्क बांटे जाने वाले विंटर स्वेटर्स में बड़ा घोटाला उस समय सामने आया जब एसडीएम सदर ने स्वेटरों की क्वालिटी चेक करते हुए स्वेटर सप्लाई करने वाली फर्मों की पेमेंट रोकने और स्वेटर्स की जांच लैब से कराने के आदेश शिक्षा विभाग को दे दिए। ये स्वेटर कॉन्ट्रैक्ट 2.5 करोड़ रुपए से अधिक का बताया जा रहा है। सप्लाई देने वाली फर्में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिम पोर्टल के नियमों को ताक पर रखकर ये टेंडर दिया गया था, जो अब चर्चाओं में आ गया है। पूर्व की सपा सरकार पर घोटालों के आरोप लगाकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली योगी सरकार के अधिकारियों की कारगुजारियों के चलते जनपद मुरादाबाद से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आपको बताते चलें, प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को विंटर स्वेटर के लिए मुरादाबाद के 3 फर्मों को जिम पोर्टल्स के माध्यम से स्वेटर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसमें नारंग ट्रेडर्स, बोधराज ट्रेडर्स और सूरज होजरीज को 1,66,000 स्वेटर सप्लाई करने थे। स्वेटर सप्लाई करने वाली ये फर्में उस समय चर्चा में आ गईं जब एसडीएम सदन ने 50,000 स्वेटर्स की बड़ी खेप की गुणवत्ता में कमियां पकड़ी और प्रशासन एक जांच कमेटी गठित करते हुए स्वेटर की गुणवत्ता परखने के लिए लैब टेस्टिंग कराने के आदेश कर दिए गए। आपको बता दें, ये स्वेटर टेंडर उस समय भी सुर्खियों में आ गया था जब मुरादाबाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इसे 12 सितम्बर को जारी किया था और यह नियत तारीख पर खोला नहीं जा सका, जिसके विरोध में कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन उसके बाद भी प्रशासनिक अफसरों की पसंदीदा फर्मों को नियमों के विरुद्ध जारी कर दिया गया। 2.5 करोड़ से अधिक की कीमत के स्वेटर तो इन सप्लाई फर्मों में शिक्षा विभाग को सौंप दिए गए, लेकिन घटिया सामग्री से तैयार ये अभी तक स्कूलों में ही पड़े होने की सूचना है। इस प्रकरण में जानकारी देते हुए बीएसए योगेंद्र कुमार ने बताया, एसडीएम सदन ने स्वेटर्स की खामियां पकड़ी हैं और उनके द्वारा ही एक जांच कमेटी बनाकर स्वेटर की सामग्री टेस्टिंग के लिए लैब भेजे जा रहे हैं और अगले आदेश तक स्वेटर सप्लाई करने वाली 3 फर्मों का पेमेंट होल्ड कर दिया गया है। सर, जनपद मुरादाबाद में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रसिद्धि विद्यालय में जो अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं उनके लिए निःशुल्क स्वेटर का प्रावधान है। इसके लिए जो शासन द्वारा निर्धारित कमेटी है उसके द्वारा जेम पोर्टल पर 3 फार्मों को चयन किया गया था, जिसमें एक तो बोधराज है, नारंग ट्रेडर्स है, एक सूरज हौजरी है। इनको 1,66,682 स्वेटरों की आपूर्ति करनी थी यहाँ जनपद पे। जो इन लोगों ने सैंपल दिए थे और जो हम लोगों ने एसडीएम की अध्यक्षता में ब्लॉक वार सत्यापन कमेटी बनाई थी, उनके जो स्वेटर का सत्यापन करके उन्होंने जो रिपोर्ट दी उनके अनुसार इनका भुगतान किया जाना था। तो स्वेटर्स में क्या कमी लगी आपको? स्वेटर में हमें तो कोई कमी नहीं लगी, लेकिन जैसा कि ब्लॉक स्तर की जो कमेटी सत्यापन समिति थी उन्होंने, जैसे सदर मुरादाबाद में एसडीएम सदर महोदया ने ये लिखा है कि मानक जो हम लोगों ने सैंपल दिया था और जो सप्लाई स्वेटर की हुई थी वो उन्होंने ये लिखा है कि सही प्रतीत नहीं हो रही है, तो उसमें 2% की कटौती का प्रस्ताव किया था। लेकिन हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि जो हम लोगों के स्वेटर सप्लाई हुए हैं उनकी लैब से जांच करवा कर जैसी भी रिपोर्ट आएगी उस अनुसार हम फार्मों को भुगतान करेंगे। थोड़ा ज़्यादा है, लगभग कितना पेमेंट होना है इसमें जो हमें जेम पोर्टल से जो हम लोगों को 158 रुपये प्रति स्वेटर के हिसाब से हमें भुगतान करना था, लेकिन अब जो हमारा लैब से जो भी सत्यापन रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर भुगतान करेंगे।